हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं डे 10 का क्वेश्चन का सलूशन। उससे पहले एक बात बता दें आपसे, जैसे मैंने कहा था कि मैं 12th के क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, तो मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और अगर वो भी कर रखा है आपने तो अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे इन पोस्ट को शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनका भी फायदा हो और हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। खैर, क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड बी इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ इज। तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट की पूछी है, क्या होगी? तो जरा इससे पहले मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बता भी देता हूँ आपको, क्या है ये। अगर कोई सर्किल पे चल रहा है, ठीक है, ऐसे, तो किसी इंस्टेंट मान लो पार्टिकल यहाँ है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, ठीक है, और ये रेडियस है, ये इतनी आर रेडियस है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये इस डायरेक्शन में ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी वो क्या हो जाएगी, ये वी जो ये दे रखी है इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्यों? रेडियस के परपेंडिकुलर है वी बाई आर, तो रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही इसको घुमाने में पार्टिसिपेट करेगी, इधर वाली तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? आओ जरा यहाँ सीखते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर हो और ये बंदा जो है ऐसे भाग रहा है, ऐसे इस लाइन के लॉन्ग भाग रहा है, तो क्या आपको इसको देखने के लिए, इस डायरेक्शन में कोई भाग रहा है तो इसको देखने के लिए आपको गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही बंदा अब इधर की तरफ भागना शुरू कर दे, किधर तरफ, इस तरफ भागना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे भागना शुरू कर दे, ऐसे भागना शुरू कर दे, ऐसे भागना शुरू कर दे, इधर की तरफ भागना शुरू कर दे, ऐसे, तो क्या होगा? अब इसको देखने के लिए आपको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी। क्यों? अभी देख रहा था तो आपका मुंह इस तरफ रहा होगा, फिर जब यहाँ पहुंचा होगा तो आपका मुंह इधर की तरफ हो गया होगा, फिर आपका मुंह इधर की तरफ हो गया होगा, फिर आपका मुंह कभी इधर की तरफ हो जाएगा, कभी आपका मुंह किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, तो आपका मुंह बदल रहा है, घूम रहा है, तो आपका मुंडी जो है घूम रहा है, तो जो आपका ये मान लो मुंह है ना, ये आपकी नाक है, ये आंख जो भी है, ये ऐसे की तरफ घूमेगी, है ना, तो इसका मतलब ये इधर की तरफ घूम रहा होगा आपका सर। तो जिस रेट से आपका ये सर घूम रहा है ना, वही एंगुलर वेलोसिटी है इस पॉइंट वी, जो वी स्पीड चल रहा है उसकी। तो कैसे निकालते हैं इसकी एंगुलर स्पीड? देखो, इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है निकालने का, देखो, जो यहां पर ये पार्टिकल था इसकी एक ये जो इस समय वेलोसिटी किधर थी, इधर की तरफ थी, तो आप ये जान गए कि जो वेलोसिटी होती है वो अगर रेडियस के अलॉन्ग हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। कौन सी पार्टिसिपेट करती है? जो वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली वेलोसिटी पार्टिसिपेट करेगी। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ हो जाएगा उसको लिखेंगे वी कॉस थीटा, तो जो इस तरफ हो जाएगी उसको लिखेंगे हम लोग वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बना रहा है रेडियस वेक्टर, ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा। अब ये अगर थीटा है तो टैन थीटा की वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर ये ए है, ये बी है, टैन थीटा इक्वल टू आ गया बी बाई ए, और रेडियस कितना हो जाएगा सब जानते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, ये हमारा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो टैन थीटा इतना है तो साइन थीटा भी निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा, ठीक। इतनी बातें तो हमने फटाफट पता कर ली। तो यही हमारा वी साइन थीटा ही परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। अब ओमेगा निकालना है तो यहाँ क्या लिखना होगा, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, तो इसी में वैल्यू भरो, आंसर निकालो। तो इसमें वैल्यू कैसे भरेंगे देखो जरा, तो ओमेगा के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, तो आओ जरा ओमेगा लिखते हैं, वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर मतलब वी साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई आर, ठीक है, आर की जगह क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन थीटा, इतना हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू वी बी। कहीं है वी बी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो ये। खैर, पूरा करोगे तो क्या लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट में और जेई में, ठीक है। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बाद में मिलेंगे अब।